हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 75 डेज के बारे में। 75 डेज जो कि आपको एक्स्ट्रा मिले हैं नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए। जो एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो ऑफिशियल डेट अनाउंस की है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में अब टोटल 75 डेज है अपनी जेई की प्रिपरेशन के लिए और नीट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और एडवांस के लिए तो थोड़े और ज्यादा है, वो अगस्त के अंदर होगा। ठीक है, तो अब हम किस प्रकार से इस ड्यूरेशन को, इस टाइम पीरियड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ, एक प्रॉपर मोटिवेशन के साथ हम स्टडी कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छी रैंक के साथ नीट और जेई के अंदर सिलेक्शन ले सको, आप अपनी ड्रीम कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपको इस पूरे ड्यूरेशन में क्या चीज अवॉइड करनी है, क्या चीज आपको यूज करनी है। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज इसको कंप्लीट देखिएगा, इसको स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें छूट जाएगी और आपको पूरा प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं पता चलेगा। और अगर आप इस प्रॉपर स्टडी प्लान को या अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करोगे, ठीक है, पूरा का पूरा एंड 100% ईमानदारी के साथ आप इसको अप्लाई करोगे अपनी पूरी डेली रूटीन के अंदर, तो आई एम गारंटेड 100% श्योर यू विल गेट सिलेक्शन इन जेई एंड नीट, डेफिनेटली। फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी पूरी की पूरी ईमानदारी नहीं रखोगे तो फिर आपका सिलेक्शन तो आप खुद ही रोक रहे हो, ठीक है। तो आपको हमेशा ईमानदारी के साथ पूरे जो 75 डेज है उसमें स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट करें आज अपना लेक्चर। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल सा स्टडी प्लान है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। मैं उन टीचर्स की तरह नहीं बताऊंगा कि जो कुछ कुछ है आपको बंदे बोलते हैं कि स्टडी प्लान ऐसे बना सकते हो आप लोग, 20 दिन में केमिस्ट्री कंप्लीट, 20 दिन में आप फिजिक्स कंप्लीट कर लो, 20 दिन में मैथमेटिक्स या फिर बायो कंप्लीट कर लो। ठीक है, दिस इज नॉट अ राइट वे ब्रो। ठीक है, ये कोई राइट वे नहीं होता है प्रिपरेशन करने का। प्रिपरेशन एक पूरी की पूरी सिस्टमेटिक प्रिपरेशन होती है। ठीक है, ये प्रिपरेशन वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने पहले से एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कर रखी हो, और दूसरी चीज उन लोगों ने 2 से 3 बार पूरी की पूरी केमिस्ट्री को, पूरी की पूरी फिजिक्स को, या फिर पूरी की पूरी बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स को उसको अच्छे से स्टडी कर रखा हो, तब जाकर के वो 20 दिन में ऑर्गेनिक, सॉरी 20 दिन में केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, हो सकता है 5 दिन में ऑर्गेनिक खींच दे। लेकिन हम उस टाइप के बंदे की बात करेंगे जिस बंदे ने अभी तक एक बार ही अपना सिलेबस कंप्लीट किया हो, ठीक है, या फिर हम उस स्टूडेंट की बात करेंगे जो स्टूडेंट 12th के अंदर है और ये सोच रहे हैं कि सर हम तो ये सोच रहे थे कि हम नेक्स्ट ईयर एक ड्रॉप ले लेंगे, देन उसके बाद में हम अपनी जेई की या फिर नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नहीं, आपको ये एक ऐसा टाइम मिला है, इसको आप यूज कर सकते हो और विद 12th सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपके लिए एक संजीवनी बुंटी के लिए काम होगी। ठीक है, ये आपको एक नया मतलब एक अपॉर्चुनिटी दे रही है जिसको अगर आप यूज करोगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप इसको वेस्ट कर दोगे जैसे बहुत से लोग करेंगे फिर तो कोई मतलब नहीं है, आप ड्रॉप लेते जाओ और सिलेक्शन अगर जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक नहीं होगा। ओके, तो देखो पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं बस आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज है। हमारे पास में 70 डेज है और 70 डेज को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। इसमें फर्स्ट फेज होगा स्टडी प्लान 1.2, ठीक है, सेकेंड होगा हमारा स्टडी प्लान 2.0, देन थर्ड होगा हमारा स्टडी प्लान 3.0। क्लियर? देखो जो स्टडी प्लान 1.0 रहेगा ये आपका रहेगा 30 डेज का, यानी 30 दिन का स्टडी प्लान 1.0 रहेगा। जो स्टडी प्लान 2.0 रहेगा ये रहेगा 30 डेज का। तो ये दोनों जो फेजेस होंगे ये दोनों 30 डेज के होंगे। देन इसके बाद में जो स्टडी प्लान 3.0 रहेगा ये रहेगा 10 to 15 डेज का। ओके, मतलब हमने एक पूरा सिस्टमेटिक वे से डिवाइड कर रखा। अब इसमें आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो सब बात है। सबसे पहले जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी इंटरनल एक्सटर्नल जो भी नेगेटिविटी है उसको हटा दीजिए। हमें नेगेटिविटी को नहीं रखना है, चाहे आपके मोबाइल के अंदर हो, ठीक है, सब चीज हटा दीजिए नेगेटिविटी को, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, सो देखो स्टडी प्लान 1.0 के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक टास्क बनाना है 10 डेज का। ठीक है, 10 दिन का एक टास्क बनाना है, उस 10 दिन के टास्क को आपको 3 पार्ट मतलब 3 बनाना है। ठीक है, एक 10 दिन का एक टास्क हो गया, दूसरा 10 दिन का टास्क हो गया और तीसरा 10 दिन का टास्क हो गया, तो टोटल 3 टास्क हो गए आपके पास में। ठीक है, यानी टोटल 30 डेज का हो। ठीक, अब उस पूरे के पूरे 10 डेज के टास्क में आपको क्या क्या करना है, देखो आपको पर डेज क्या करना है, पर डेज 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, टोटल चैप्टर हमारे पास में 90 चैप्टर है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट से 30 चैप्टर मिलते हैं, फिजिक्स के 30 चैप्टर हों, केमिस्ट्री के 30 चैप्टर हों, या फिर मैथमेटिक्स के 30 हों, बायो के 30 हों, तो टोटल ऐसा करके हमारे पास में टोटल 90 चैप्टर आते हैं। एन एवरेज लेकर के चलते हैं, ऊपर भी हो सकता है नंबर और नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हमारे पास में टोटल हम मान के चल रहे हैं 90 चैप्टर्स हैं। इन 90 चैप्टर्स में आपको 3 चैप्टर्स हर रोज करने हैं, हर एक सब्जेक्ट वाइज। जैसे
जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट किया, केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किया, मैथमेटिक्स या फिर बायो का एक चैप्टर कंप्लीट किया। ओके, अब एक दिन में आपको टोटल 9 आवर की स्टडी करनी है, ठीक है, 9 घंटे की आपको स्टडी करनी है, जो कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सर जैसे आप लोग रेगुलर स्टडी करते हो, जब आप कोचिंग जाते हो तो 6 घंटे कोचिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हो, है ना, 6 घंटे कोचिंग में जाते हो, देन 3 घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो सेम वैसे ही करना, आप 6 घंटे ऐसा समझ लेना आप लोग कोचिंग जा रहे हो, ठीक। तो आपको 9 आवर की यानी 9 घंटे की स्टडी करनी है पूरी की पूरी। इन 9 घंटों का आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 आवर 3 आवर और 3 आवर, तीन तीन घंटे के अंदर डिवाइड करना है। अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपकी डेली रूटीन क्या है, किस हिसाब से आपका डेली रूटीन फॉलो होता है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा। आप मॉर्निंग में 3 घंटे रख सकते हो, मॉर्निंग में 6 घंटे रख सकते हो, और इवनिंग में 3 घंटे रख सकते हो, या फिर 3 घंटे मॉर्निंग में, फिर 3 घंटे आफ्टरनून में, 3 घंटे इवनिंग में, या फिर नाइट में रख सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा आपका डेली रूटीन क्या है, आप किस डेली रूटीन को फॉलो करते हो, वो डिपेंड करेगा आप पर, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो टाइम पीरियड है उसको मेंटेन कर लीजिएगा, क्लियर। लेकिन 9 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, 9 घंटे से कम होगा तो फिर सिलेक्शन चांसेस थोड़े कम होते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा। क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे, लेकिन हम एक स्टडी एक स्पेसिफिक प्लान के अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा टाइम भी देना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग ड्रॉपर्स हो या फिर डबल ड्रॉपर्स हो, जिन लोगों ने 2 बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो आप अपने टाइम पीरियड को कम भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 9 आवर तो रखना ही पड़ेगा। 9 घंटे से कम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें एक अच्छी कॉलेज लेनी है, अच्छी रैंक फोड़नी है, तो यार प्लीज आप लोगों को टाइम तो जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 घंटे की स्टडी डेली करनी है आपको, 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। जैसे आप सपोज 3 घंटे के अंदर आपको फिजिक्स के मिलेंगे, 3 घंटे फिजिक्स के, 3 घंटे केमिस्ट्री के, 3 घंटे मैथ्स या फिर बायो के, ठीक है। उन 3 घंटों को आपको, उन 3 घंटे में से आपको 30 मिनट देने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर। आपने 2.5 घंटे के अंदर पूरी की पूरी उस चैप्टर की स्टडी कर ली, उस चैप्टर को स्टडी कर लिया, उस चैप्टर को स्टडी करने के बाद उस चैप्टर पर बेस्ड आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है। तो यार ये सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट को आपको 3 घंटे देना है एक दिन के अंदर, ठीक है, जिसमें से जो 2.5 घंटे होंगे उसमें आपको क्या काम करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है और नोट्स पढ़नी है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है और नोट्स पढ़नी है। अब ये नहीं करना है कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ोगे फिर आप नोट्स पढ़ोगे, या पहले नोट्स पढ़ोगे या फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, नोट्स और एनसीईआरटी दोनों को साथ में पढ़ना है, ठीक है। नोट्स जब आप नोट्स पढ़ रहे हो तो वो चीज आपको एनसीईआरटी में भी देखनी है, एक पैराग्राफ नोट्स का पढ़ा, एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का पढ़ा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप दोनों चीजों को रिलेट कर सकोगे, कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी में ज्यादा मिलेगी वो आप नोट्स में लिख लेना, जो नोट्स में एक्स्ट्रा मिले वो आप एनसीईआरटी में लिख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या रहेगा कि हाँ ये भी रहेगा कि ये चीजें एनसीईआरटी से भी रिलेट कर रही है, आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा नोट्स जो है वो एनसीईआरटी से भी रिलेट करते हैं, ठीक। ये काम करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई भी रेफरेंस बुक गाइड वाइड से आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के लिए आप किसको प्रायोरिटी दोगे, एनसीईआरटी को और नोट्स को ही प्रायोरिटी देगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी गाइड ले सकते हो, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के हो, चाहे वो किसी भी लेवल के क्वेश्चन हो, ओके। सो एनसीईआरटी सोल्व करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, नोट्स करना है, प्लस 30 मिनट आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करोगे, बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चन मिलते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, उसके क्वेश्चन कर सकते हो, क्लियर। तो ये होता है, अब देखो 10 डेज का टास्क मतलब क्या होगा, है ना, आपको 10 डेज के अंदर टोटल टोटल 30 चैप्टर कंप्लीट करना है, ये आपका टास्क रहेगा। 30 चैप्टर आपको हिट करना है, अगर नहीं होते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको चांस मतलब पूरी की पूरी कोशिश यही करनी है कि आप 25 चैप्टर तो हिट करो ही करो, ठीक है, जो 25 नंबर है उसको हिट करो ही करो। क्योंकि अगर आप 25 नंबर तक जा रहे हो, इसका मतलब आपका जो शेड्यूल है, जो आपका स्टडी प्लान है, वो एकदम वेल मेंटेन रहेगा, और इजीली आप एक अच्छी मतलब लाइन पे चल रहे हो। और अगर आप 20 के जस्ट नीचे हो, मतलब आप 20 ही हिट नहीं कर रहे हो, देन इसका मतलब यार आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपका जो स्टडी प्लान 2.0 होगा इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी, और इसमें और ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपने को मेहनत करनी है किसमें, स्टडी प्लान 1.0, ठीक है। तो टोटल 30 चैप्टर्स होंगे 10 दिनों के अंदर, तो इसके हम 3 सेट्स बनाएंगे, यानी हमारे पास में 30 दिन है, तो 30 दिन में 10 दिन में अगर हम 10 दिन में अगर हम 30 चैप्टर कर रहे हैं, तो 30 दिन में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 90 चैप्टर, यानी सिलेबस कंप्लीट 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी आसानी से होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे टास्क वाइज करते रहना, जैसे ही 10 डेज का टास्क कंप्लीट हो, है ना, तो आपको क्या होगा, हाँ लगेगा कि चलो हमने 10 डेज के अंदर ये टास्क कंप्लीट कर लिया, फिर नया टास्क बनाना, फिर नया टास्क बनाना, ठीक
इसमें भी आप डे वाइज भी टास्क बना सकते हो। टास्क बनाने का मेन मोटिव यही होता है कि आपको, आपके पास में एक टास्क रहता है, आपके पास में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर वो चैप्टर कंप्लीट करने का टास्क रहता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ उसको कंप्लीट करते हो। जब कोई टास्क हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमने ये कंप्लीट कर लिया, और आप नेक्स्ट टास्क पर भी मूव कर सकते हो। जब आपके पास में टास्क नहीं होता, आपको ऐसे बोल दिया जाता है कि आपके पास में 75 डेज है और 75 डेज के अंदर आपको 90 चैप्टर कंप्लीट करना, तब आप रेंडमली चैप्टर सेलेक्ट करोगे और उसको पढ़ते रहोगे। कभी कोई चैप्टर पढ़ लिया, कभी कोई चैप्टर पढ़ लिया, पूरा सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो टास्क बनाने का मेन मोटिव यही है मेरा कि आप एक सिस्टमेटिक स्टडी करोगे। ठीक है, अब चैप्टर आप पर डिपेंड करता है, आप 11th की पहले बुक पहले कंप्लीट करते हो या फिर 12th की पहले बुक कंप्लीट करते हो, वो डिपेंड करता है आप कि आपके कौन से चैप्टर्स वीक हैं और कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा स्टडी प्लान 1.1। इसमें ध्यान देने की बात यह है, आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करोगे और नोट्स को जरूर फॉलो करोगे। एनसीईआरटी और नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करोगे 30 मिनट के अंदर, कितने भी हो, चाहे फिजिक्स में आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हो, 30 मिनट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है जितने भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। और हाँ, कोशिश यही करना कि एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा स्पेंड मत करो। ठीक है, ये फिर क्या आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, भले ही नहीं आया तो छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन करो, देन उसके बाद में आप उसका सॉल्यूशन दो। ओके, अब देखो, अब कुछ लोग, आप लोग ये बोले होंगे कि सर हमारे तो कुछ चैप्टर जो है वो हमने, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि जिन्होंने हर एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा स्टडी कर रखा है, ठीक है, तो वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, उनको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, महान स्टूडेंट जिनको बोलते हैं, ठीक है, जो महान स्टूडेंट की श्रेणी के अंदर आते हैं, उन्होंने कुछ चैप्टर्स बंक कर रखे होते हैं, कुछ चैप्टर्स अटेंड ही नहीं कर रखे होते हैं लेक्चर्स के अंदर, वो लोग क्या करोगे, वो लोग ये करोगे, आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, दूसरा नोट्स तो होगा ही नहीं उनके पास में, तो आपके पास में नोट्स नहीं होंगे, सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ करके चैप्टर को क्लियर नहीं कर सकते। तब आप क्या करोगे, तब आप वीडियो लेक्चर देखोगे। क्या देखोगे, वीडियो। अब वीडियो लेक्चर कहाँ से देखें सर, वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब पर देख सकते हो, बेसिकली प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास है आप, बट इस पर आपको पूरा का पूरा 11th 12th का सिलेबस नहीं मिलता, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट स्टार्ट किया है तो मेरे पास अभी पूरा का पूरा सिलेबस नहीं है। बट आप अदर यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने काफी टाइम से वीडियोस बना रहे हैं, उन पर आपको 11th और 12th के कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे, आप जाकर के वो देख सकते हो, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, और मैंने भी कुछ ऐसे टॉपिक्स बना रखे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर, तो आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, वीडियो लेक्चर्स होंगे तो आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो और उनको नोट्स बना सकते हो। क्लियर, मूव करते हैं स्टडी प्लान 2.0 पर। आई होप आपको ये स्टडी प्लान 1.0 समझ में आया हो। 2.0 के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेम एज स्टडी प्लान 1.0। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर पूरा का पूरा प्रिपरेशन किया था, वैसा ही इन 30 दिनों के अंदर भी प्रिपरेशन करना है। बट अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जब एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ोगे, जब यहाँ पर एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ोगे, सेम टाइम है, 9 आवर यहाँ पर भी है और 9 आवर यहाँ पर भी था। ठीक है, इसको भी 3 स्लॉट के अंदर डिवाइड करना है, 10 डेज 10 डेज और 10 डेज। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे किया, एग्जैक्ट वही फॉर्मेट यहाँ यूज करना है। लेकिन जब आप यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, जैसे वो कहता है ना, चैप्टर का एक पूरी समरी होती है, आपने एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट किया और उसकी समरी जो है वो आपने 2 से 3 पेजेस के अंदर लिख दी। ठीक है, इन समरी के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूड हो जाता है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो समरी से सॉल्व हो जाए। इस टाइप से आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये आपके इस स्टडी प्लान 3.0 में बहुत काम आएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए 2 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि आपने हर एक चैप्टर को यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर रखा है। ठीक है, तो 2 घंटे भी नहीं लगेंगे आपको वापस से स्टडी करने के अंदर और शॉर्ट नोट्स बनाने के। ठीक है, जब आप यहाँ पे स्टडी करते हो, जब आप एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ते हो, तो जो आपको मोस्ट मोस्ट लाइन लगे कि हाँ ये मोस्ट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी से, आप उसको नोट कर लीजिए, वो आपके यहाँ काम आएंगे, ताकि आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो इजीली बनते रहे। ठीक है, कुछ प्रिपरेशन यहाँ हो जाएगी शॉर्ट नोट्स की और लास्ट में फाइनल यहाँ आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे पूरे पूरे। क्लियर है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और रिवीजन सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स होंगे, जो 90 चैप्टर हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं, उनकी वापस से क्या करनी है, रिवीजन करना है, सेम वैसे ही 2 घंटे आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और 2 घंटे एनसीईआरटी प्लस नोट्स पढ़ना है और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाना है, प्लस जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी वो आपकी कितने घंटे की रहेगी, 1 घंटे की रहेगी, और इस 1 घंटे के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करने हैं, चाहे आप भले कितने ही होते हैं। कोशिश यही रखनी है कि आप 1 घंटे के अंदर फिजिक्स के कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करो, केमिस्ट्री के 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व करो, और बायो या मैथमेटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स का तो फॉर्मेट अलग होगा, बायो के अंदर आप 90+ क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट रहना चाहिए, सेम फॉर्मेट है, इसमें ज्यादा कोई एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है,
दूसरी चीज यहाँ पर स्टडी प्लान 3.0, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये दोनों फॉलो करते हो, इसको फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, आपने सोचा चलो हमने 60 डेज अच्छे से मेहनत कर ली, ठीक है, कहते हैं ना आप लोग है ना इनिंग्स पूरी अच्छी खेले हो लेकिन फाइनल में जब आप हार जाते हो तब आपकी इनिंग्स के स्कोर नहीं देखे जाते, ठीक है, आपने 60 दिन में कितनी मेहनत की है ये कोई नहीं देखेगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। आपको फाइनल में क्या करना है, और ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। फाइनल में हमें कैसे खेलना है, फाइनल में हमें खेलना है, देखो हमारे पास में टोटल 10 से 15 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे जेई जो एस्पिरेंट है उनके लिए, जो लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखें, उनके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो हमारे पास में 10 दिन रहेंगे, और नीट के रेस्पेक्ट में बात करें तो 15 दिन हमारे पास में रहेंगे। इन 15 यानी 10 से 15 दिन में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मॉक टेस्ट देना, क्या करना है, मॉक टेस्ट देना, ठीक है, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट करना है। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा एज इट इज वो टेस्ट बनाओ, जैसे आप या ये भी कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आते हैं, 10 साल के पेपर आते हैं ना, 15 साल के पेपर आते हैं, वो आपको ले लेने हैं, अगर आपके पास में गाइड पड़ी है तो अच्छी बात है, ऑलमोस्ट सबके पास होती है, अगर नहीं भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, और ना ही अपने ऊपर बर्डन लेना है अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन लेना कि मुझे ये गाइड चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है तो उनकी भी थोड़ी हालत टाइट होती है, अपनी भी हालत टाइट होती है, और दूसरा डिलीवरी भी नहीं होती है ना, दुकान भी नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट बहुत अवेलेबल है अपने पास में, आप गूगल पे सर्च करोगे तो इजीली आपको पेपर मिल जाता है। नहीं मिले आपको कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दे रखा है जो कि मेरा है, आप उसको कभी भी उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और कुछ जो लोग आप लोग इंस्टाग्राम से कनेक्टेड हो उनको पता है कि जब भी उन्होंने मैसेज किया है तो उनको विद इन अ हावर मेरा रिप्लाई मिला है, और उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है मैं उसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ, ठीक है, तो आपकी भी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी नोट्स चाहिए होते हैं, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है, या कोई डाउट आता हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मतलब व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, एंड या फिर डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना है आपको, मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, देन उसके बाद में जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पूरा का पूरा उसी पैटर्न से देना है जैसे नीट का पैटर्न होता है या फिर जेई का पैटर्न होता है, जितना टाइम जेई में मिलता है जितना टाइम नीट में मिलता है उतना ही टाइम लेना है, एक टाइमर के अंदर टाइम लगा दिया आपने ना, 180 मिनट लगा दिया आपने, 3 घंटे का जितना भी पेपर होता है आपका वो लगा दिया, एंड उसके बाद में पेपर करना स्टार्ट कर दिया, पेपर से पहले आपको घंटे पर आपको क्या करना है, अपने नोट्स जो होते हैं जो आपने शॉर्ट नोट यहाँ बनाए थे वो आपको पढ़ने हैं, जो कि आपके हेल्प करेंगे आपको वापस से रिकॉल करवाने के, ठीक है, तो आपने मॉक टेस्ट से पहले ये पढ़ा फिर उसका मॉक टेस्ट दिया, देन उसके बाद में आपको उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है कि आपका स्कोर कहाँ है और आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, जो गलतियां आप मॉक टेस्ट फर्स्ट में करोगे वो आपको सेकंड में नहीं करनी, जो सेकंड में करो वो आपको थर्ड में नहीं करनी, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, रिपीट 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 करता रहना है, तो टोटल आपको एक दिन के अंदर 2 टेस्ट देना है, एक मॉर्निंग में देना है और एक इवनिंग में देना है, ठीक है, 2 मॉक टेस्ट देना है, ऐसे अगर आप 10 दिन के अंदर एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दोगे तो आपके पास में 10 दिन में टोटल 20 to 30 मॉक टेस्ट आप दे चुके होंगे, यानी आपने 20 से 30 मॉक टेस्ट जो होंगे वो आपने इजीली कर लिए होंगे, ठीक है, तो आपका जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन होगी वो यहाँ पर क्या आ जाएगी अच्छे से, मतलब शो होने लगेगी, ठीक है, कि आपने इस पूरे के पूरे 60 डेज के अंदर स्टडी प्लान 1.0 स्टडी प्लान 2.0 में आपने कितनी मेहनत की है वो पूरा का पूरा यहाँ शो होता जाएगा, और प्लीज 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 हर एक मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस बहुत जरूरी है, जब आप एनालिसिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरी गलती आ रही है, ये मेरा टॉपिक वीक है तो मुझे इस पर वापस स्टडी करनी है, यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपने यहाँ पर 9 आवर स्टडी किए तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी स्टडी नहीं करोगे, सिर्फ मॉक टेस्ट पर डिपेंड रहोगे, मॉक टेस्ट आपके एनालिसिस के लिए है कि आपका चैप्टर कौन सा वीक है, जो चैप्टर वीक हो वहाँ वो इस स्टडी प्लान में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ठीक है, देखो हर एक स्टेप के अंदर कहीं पर भी गलती नहीं करनी है, अगर कहीं पर भी गलती होती है तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो होता है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि भले आप इनिंग कितनी अच्छी खेलो आप फाइनल के अंदर हार गए कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई इनिंग में आपका स्कोर क्या रहा, तो इनिंग्स जैसे रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनल बढ़िया जाना चाहिए, फाइनल के अंदर हमें सिलेक्शन लेना ही लेना, विद 12th लेना है जो 12th के स्टूडेंट्स है, और 12th के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है ये लॉकडाउन, क्योंकि एक तो उनके एग्जाम बाकी है, ठीक है, तो वैसे ही वो प्रिपरेशन करेंगे तो, और जेई की प्रिपरेशन है और नीट की प्रिपरेशन भी वो साथ साथ में कर सकते हैं, और दूसरा यार आप लोगों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, पूरा का पूरा टाइम पड़ा है ना, आपको बाहर जाना है ना, आपको कोई फ्रेंड कॉल करेगा बाहर आने के लिए, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, आप इजिली इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को यूज करके सिलेक्शन फोड़ सकते हो विद 12th के साथ।
और जो लोग ड्रॉपर है वो भी एक अच्छी रैंक के साथ फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, पूरा सिस्टमेटिक स्टडी करनी है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। आप डे का टास्क भी बना सकते हो, जितना छोटे से छोटा टास्क बनाओगे उतना ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जब आप टास्क पूरा करोगे तो देखना आपके अंदर एक इनर मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। जब हम गेम खेलते हैं तो गेम में क्या होता है, टास्क होता है ना कि आपको उसको मारना होता है, जब आप उसको मार लेते हो फिर अगला दूसरा वो रहता है उसको मारना होता है, फिर दूसरा वो रहता है ना, ऐसे ऐसे टास्क बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है टास्क। तो ऐसे ही आपको करना है, पहले छोटा टास्क बनाना है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन ऐसी नहीं है, तो आपको एक दिन के अंदर छोटे छोटे टास्क बनाना है कुछ दिन, फिर धीरे धीरे टास्क को बड़ा करते जाना, एंड बड़ा करते करते सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, आपको टोटल इस टाइम ड्यूरेशन में 20 से 30 पेपर जो होंगे आप अपने हाथ से निकालोगे, तो आपको एक पेपर अटेंड करने का डर नहीं रहेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ कहाँ गलतियां नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो प्लीज 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 इसको जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड जैसे ये बंदा है, इस बंदे ने अपना सिलेक्शन ले लिया और इसने अपने नाम लिया कि डॉक्टर या फिर इंजीनियर, आप भी लिखवा सकते हो, ठीक है। तो आपको भी यही स्टेटमेंट बोलना है, ठीक है, जब रिजल्ट आए आई एम सिलेक्टेड, और आपके भी नाम लिया कि डॉक्टर और या फिर इंजीनियर लगना चाहिए, ओके। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा स्टडी प्लान समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ यार, ठीक है, बेसिकली मैंने आज तक कभी नहीं दिया किसी को टास्क, लेकिन मैं आपको टास्क देता हूँ इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। टास्क ये है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो पर हमें 70 लाइक्स चाहिए, ठीक है। 70 डेज है तो मैं डेली कर रहा हूँ 70 से ना, तो मेरे को 70 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर। कैसे आते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जब इस पर 70 लाइक आ जाएंगे, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि एक प्रॉपर लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 2.5 घंटे दिए हैं, तो इस 2.5 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर हम एक चैप्टर को किस प्रकार से रिवाइज कर सकते हैं और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक पैटर्न होगा, उस सिस्टमेटिक पैटर्न से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप चैप्टर को स्टडी कर सकते हो, क्लियर है। तो प्लीज प्लीज जो हमारा टास्क रहेगा वो रहेगा 70 लाइक्स का, ठीक है। और यार 70 लाइक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करोगे तब मैं आपको इसका पूरा का पूरा सीक्रेट प्लानिंग बताऊंगा कि किस प्रकार से स्टडी की जाती है, ओके। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड प्लीज लाइक बटन पर हिट कर दीजिए, जो रेड वाला बटन है यहाँ पर उसको भी हिट करके उसका कलर उड़ा दीजिए, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। एंड प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास के जितने भी वीडियोस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, आप जरूर देखिए, ठीक है। और जो 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से लेक्चर्स चल रहे हैं, 11th में हम IUPAC कंप्लीट कर रहे हैं, IUPAC को डिस्कस कर रहे हैं, और जो 12th क्लास है उनमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो आप उनको भी देख सकते हो, प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आपका खुद का चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।